हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफों का दौर जारी है और इसी बीच अखिलेश यादव और आजम खान ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है और अखिलेश यादव अब करहल से विधायक रहेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की। अखिलेश यादव के साथ ही आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो रामपुर सदर सीट से विधायक रहेंगे और ऐसे में इस वक्त की बड़ी जानकारी दोनों ही सदस्य है क्योंकि लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफों का दौर जारी है और अखिलेश यादव आजम खान दोनों ने ही इस्तीफा दिया है और अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब करहल से विधायक रहेंगे अखिलेश यादव और वहीं आजम खान रामपुर सदर से विधायक रहेंगे। लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने भी इस्तीफा दिया है तो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफों का दौर जारी है और ये आप तस्वीर देख रहे हैं जब लोकसभा स्पीकर के समक्ष पहुंच करके अपना इस्तीफा दिया गया है। तो इस्तीफा दिया गया है और इस्तीफों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में अखिलेश यादव और आजम खान दोनों ही सांसद लोकसभा के सदस्य उन्होंने अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा है और इससे पहले आपने तस्वीरें भी देखी जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को सौंपा है। वहीं साथ ही अब करहल से वो विधायक ही रहेंगे यानी कि प्रदेश में अपनी भूमिका आप पूरी पुरजोर तरीके से निभाएंगे और इसीलिए इस्तीफा लोकसभा की सदस्यता से दिया है। नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफों का दौर जारी है, न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि आजम खान ने भी इस्तीफा दिया है। देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से आज इस्तीफा दिया है, इससे एक मैसेज साफ होता है कि उन्होंने अपनी स्थिति क्लियर कर ली है कि अब उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव फोकस करेंगे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और लगातार तमाम खामियां सामने आई, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के बीच में मंथन चला और अब अखिलेश यादव और साथ ही आजम खान दोनों लोगों ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, तो इससे एक बात साफ होती है कि यूपी को लेकर अखिलेश यादव ज़्यादा संजीदा रहेंगे, यहाँ के मुद्दों को लेकर सदन में जाएंगे और सदन में एक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे, साथ ही अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का मनोबल भी बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव ने अपना एजेंडा और अपना कार्य एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, एक रीजनल पार्टी है, लोकल पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं एक प्रदेश तक सीमित रहती हैं, उनके लिए प्रदेश ही सब कुछ होता है। यानी कि ये संकेत बिल्कुल जाहिर तौर पर ये बड़े संकेत हैं कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अब दखल नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी अखिलेश यादव दिखा रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय के अंदर लोकसभा के जो चुनाव होंगे, नरेंद्र यादव, उसको लेकर के क्या तैयारियां हो सकती हैं? क्या वापस से फिर लोकसभा के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी? अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे क्या उस वक्त? देखिए, एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब शायद ही अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़े। आज इस्तीफा देने से पहले ही कल आजमगढ़ अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा किए थे, अखिलेश यादव वहां के नेताओं से बातचीत किए थे और कहीं ना कहीं अपने दूसरे प्रत्याशी की तलाश उन्होंने कर ली होगी और बातचीत किए हैं, तो एक बात साफ लगभग हो चुकी है कि अखिलेश यादव अब खुद लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी पार्टी को लड़ाएंगे। उन्होंने ट्वीट भी पिछले दिनों किया है, अपने बयानों में भी कहा है कि हमारा अगला फोकस लोकसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। यह उनके बढ़ते हुए वोट परसेंट का जिक्र किया कि हमारी पार्टी का वोट परसेंट बढ़ा है, हमें हार मिली है लेकिन लोकप्रियता उनकी बढ़ी है, जबकि समाजवादी पार्टी के सामने जो दूसरी पार्टियां थी कांग्रेस और बीएसपी को भारी नुकसान हुआ है। तो एक बड़ी विपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव अपने आप को पाते हैं और इसी के चलते वो चाहते हैं कि पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए और उसके बाद लंबी रणनीति के तहत बड़ी तैयारी के साथ अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जाए। जी, यानी कि विधानसभा चुनाव पर ही फोकस रहेगा और प्रदेश स्तर की राजनीति पर पुरजोर तरीके से नजर है। आप हमारे साथ बने रहिए और साथ ही साथ इस बीच लगातार अखिलेश यादव का सांसद पद से जो इस्तीफा है वो उसको लेकर के बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और साथ ही साथ अखिलेश यादव का
अपना पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया गया है, यानी कि इस बात के संकेत ये मिल रहे हैं कि अब वो प्रदेश स्तर की राजनीति पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, यानी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी फिलहाल संकेत नहीं मिल रहे हैं कि वो शायद आप लोकसभा का चुनाव लड़े या ना लड़े। हालांकि हमारे संवाददाता जो कि इस पर जानकारी दे रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि आप जो आज के संकेत मिले हैं, क्योंकि सांसद पद से इस्तीफा देने के संकेत कुछ यही हैं कि अखिलेश यादव अब प्रदेश स्तर की राजनीति पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। और ये लगातार हम सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम भी दिखा रहे हैं और हर एक चीज हमने आपको बारीकी से दिखाई है, लेकिन इन सब के बीच में कुछ और। चलिए मैं जरा एक सवाल और इसमें जोड़ लेना चाहता हूं। अखिलेश यादव जब अब अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आए हैं प्रदेश स्तर में बतौर एक विधायक के तौर पर, क्योंकि इससे पहले जो कद और जो पद उनके पास रहे हैं, क्या वो इससे संतुष्ट रहेंगे? नरेंद्र, बिल्कुल, उन्होंने फैसला जो किया है सोच समझ के किया है कि अब उनको उत्तर प्रदेश को ही फोकस करना है, विधानसभा में जनता की आवाज़ उठानी है और एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में अपने आप को पेश करना है। जिस तरीके से कोरोना काल में समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा कि अखिलेश यादव सामने नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि चुनाव के 4-5 महीने पहले अखिलेश यादव एक्टिव हुए और लगातार जीत का दावा करते रहे, जनता के बीच में नहीं रहे, शायद इसी के चलते अखिलेश यादव ये सारे फैसले ले रहे हैं और आज चौंकाने वाला फैसला लिया है कि लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे उनकी रणनीति यही है कि अपनी पार्टी के कैडर को बूथ स्तर तक, विधानसभा स्तर तक मजबूत किया जाए और जो ये अकेले पूरी बागडोर संभाले थे उसके चलते पार्टी को समय भी कम दे पा रहे थे। तो अगर अखिलेश यादव इस सारी रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो कहा जा सकता है कि अब अपने विधानसभा क्षेत्रों पर और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और अपने संगठन पर ज़्यादा ध्यान अखिलेश यादव देंगे। इसी के रणनीति का नतीजा हो सकता है कि अखिलेश यादव लोकसभा की सदस्यता से दूर जा करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा पर फोकस करेंगे, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे और तमाम रणनीतियों में उनके साथ हिस्सेदारी लेंगे। प्राथमिकता यानी कि तय हो चुकी है अखिलेश यादव के द्वारा कि दिल्ली नहीं, लखनऊ ही उनके लिए मुख्य एजेंडा रहने वाला है और लखनऊ में ही वो रहेंगे, ना कि दिल्ली में। आप खैर, बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। और ओमपाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रामपुर से। ओमपाल, अभी इस बड़े कदम के बाद से क्या हलचल है रामपुर में, क्या स्थितियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, जब आजम खान यहां पर हुआ करते थे तब यहां पर हलचल होती थी, जब से आजम खान सलाखों के पीछे गए हैं तब से अब हलचल मचाने वाला तो कोई है नहीं। अब अखिलेश यादव जी को ही देख लीजिए, यानी कि जब चुनाव था या चुनाव से थोड़ा पहले माहौल बनाने के लिए वो रामपुर में आए थे और तमाम सारी चीजों को लेकर अभी रामपुर में जो उनकी पार्टी के नेता हैं या प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं, कोई हलचल पैदा करने के लिए या हलचल को बढ़ाने के लिए अभी तो फिलहाल कोई आगे है नहीं। और वैसे भी पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी पार्टी को अगर कोई मजबूत करने का काम करता था तो वो आजम खान करते थे, चूंकि वो है नहीं, उनके ऊपर तमाम आरोप लगे हुए हैं और उन्हीं आरोपों को लेकर अब कोई प्रदेश स्तर का नेता उनके लिए या उन हलचल बढ़ाने के लिए रामपुर में तो है नहीं। रामपुर में समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि आजमवादी पार्टी, यहाँ आजमवादी लोग रहते हैं, लेकिन अब उनके इस फैसले को लेकर कोई क्यों बोले और क्यों बोलेगा, क्योंकि जब वो सांसद बनकर यहाँ आए थे तो मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने हमारे इंटरव्यूज पर कहा था कि मैं फिर विधायक बनूंगा और फिर इस्तीफा दे करके विधायक रह करके काम करूंगा, मैं विधायक रहना चाहता हूँ। हाँ। आज ये दिन दूर नहीं जब उन्होंने इस्तीफा दे, यानी कि आप सोचिए पार्लियामेंट में जब जीते, पार्लियामेंट से जब राम आए जीत के बाद, तब उन्होंने ये बात कही थी कि मैं सांसद में नहीं रहूंगा, ठीक है, मैं बतौर सांसद नहीं बल्कि बतौर विधायक के तौर पर अब उनकी छवि नजर आएगी और इलाके में क्या विकास कर पाएंगे ये फिलहाल देखने वाली चीजें होंगी। खैर, बहुत शुक्रिया ओमपाल इस पर।